हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड 100 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में लगातार पूछी जा रही हैं और आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये पूछी जा सकती हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी फुल फॉर्म है गूगल की। तो गूगल की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है याहू। याहू की फुल फॉर्म होती है येट अनोदर हायरार्कियल ऑफिशियस ओरेकल, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है विंडो। विंडो की फुल फॉर्म होती है वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो की आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट है वायरस। वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट है UMTS, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। एमोल्ड की फुल फॉर्म होती है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड। और अगर ओनली LED की फॉर्म पूछता है तो ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड होती है इसकी फुल फॉर्म। इसी तरह से OLED की फुल फॉर्म, जिस तरह से लाइट एमिटिंग डायोड LED की फुल फॉर्म है तो OLED की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है IMEI, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि जब भी आप नया मोबाइल वगैरह लेकर आते हैं तो उसका एक पर्टिकुलरली IMEI नंबर होता है जो कि हर एक मोबाइल का यूनिक होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और इसी से जब आपका मोबाइल वगैरह खो जाता है तो पुलिस इसी से आपके मोबाइल को ट्रेस करती है। नेक्स्ट है ESN। तो ESN की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए। नेक्स्ट है UPS। तो UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो जब आपकी लाइट चली जाती है तो कुछ देर के लिए पावर सप्लाई UPS के द्वारा दी जाती है, इसलिए इसे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहा जाता है। नेक्स्ट है HDMI। तो HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट है VPN। तो VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हमारा अगला वर्ड है APN। तो APN की फुल फॉर्म होती है एक्सेस पॉइंट नेम। ओके, नेक्स्ट है SIM। SIM की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, इसे आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है LED। तो LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, इसे हम पहले भी देख चुके हैं। DLNA। DLNA की फुल फॉर्म होती है डिजिटल लिविंग नेटवर्क्स अलायंस। ओके, नेक्स्ट है RAM। तो RAM की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की बात करें तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक स्थाई मेमोरी है, जबकि रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये एक अस्थाई मेमोरी होती है। नेक्स्ट है VGA। तो VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक एरे। ओके, क्या? वीडियो ग्राफिक एरे, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है QVGA। तो इसके आगे क्वार्टर और लग जाता है, तो QVGA की फुल फॉर्म हो जाती है क्वार्टर वीडियो ग्राफिक एरे। नेक्स्ट है 22 WVGA। WVGA की फुल फॉर्म होती है वाइड वीडियो ग्राफिक्स एरे। WXGA की बात करें तो यहाँ पर वाइड स्क्रीन एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है USB। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसे आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है WLAN। WLAN की फुल फॉर्म होती है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह से LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन जब इसमें W जुड़ जाता है तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। PPI की फुल फॉर्म होती है पिक्सल्स पर इंच। नेक्स्ट है LCD। LCD की फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है HSDPA। इसकी फुल फॉर्म होती है हाई स्पीड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस। नेक्स्ट है HSUPA। इसकी फुल फॉर्म होती है हाई स्पीड अनलिंक पैकेट एक्सेस। नेक्स्ट है HSPA। इसकी फुल फॉर्म होगी हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। GPRS की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म होगी जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। नेक्स्ट है EDGE। इसकी फुल फॉर्म होती है एनहेंस्ड डेटा रेट्स फॉर ग्लोबल एवोल्यूशन। नेक्स्ट है NFC। तो NFC की फुल फॉर्म होगी नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अगला है OTG। OTG की फुल फॉर्म होगी ऑन द गो। चलिए अगली फुल फॉर्म देख लेते हैं SLCD। इसकी फुल फॉर्म होगी सुपर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है OS। OS का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट है SNS। इसकी फुल फॉर्म होती है सोशल नेटवर्क सर्विस। हमारी अगली फुल फॉर्म है HS, जो कि होता है हॉट स्पॉट। नेक्स्ट है POI। इसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है 40 GPS। इसकी फुल फॉर्म होगी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप जरूर याद रखेंगे।
अगला है डीवीडी, डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। ओके, नेक्स्ट है डीटीपी, डीटीपी की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला है डीएनएसई, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल नेचुरल साउंड इंजन। ओके, 44 है ओवीआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है ओहियो वीडियो इंटरनेट। ओके, ओहियो वीडियो इंटरनेट। नेक्स्ट है सीडीएमए, जिसकी फुल फॉर्म होती है कोर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, 46 देख लेते हैं। WCDMA, इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड बैंड कोर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट है GSM, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट है वाईफाई, जिसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये होती है वायरलेस फिडेलिटी। DIVX की फुल फॉर्म होती है डिजिटल इंटरनेट वीडियो एक्सेस। 50 नंबर APK, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑथेंटिकेटेड पब्लिक की। ओके, नेक्स्ट है J2ME, इसकी फुल फॉर्म होती है जावा 2 मैक्रो एडिशन। अगला है 52, जिसकी फुल फॉर्म होती है SIS, अर्थात इंस्टॉलेशन सोर्स। ओके, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है डेल, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिंक लाइब्रेरी। ओके, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है एसर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्यूजियन कोलाब्रेशन एक्सपेरिमेंटेशन रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ये होती है एसर की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है RSS, इसकी फुल फॉर्म होती है रियली सिंपल सिंडिकेशन। नेक्स्ट है TFT, तो TFT की फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। AMR की फुल फॉर्म होती है अडेप्टिव मल्टी रेट। ये सारी की सारी जो फुल फॉर्म्स हैं, आपको PDF के फॉर्म में नीचे लिंक में दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। नेक्स्ट है MPEG, जिसकी फुल फॉर्म होती है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। इसी के साथ ही JPEG और होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, उसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है IVRS, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। अगला है HP, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसकी फुल फॉर्म होती है हॉलेट पैकार्ड। इसे आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है AA, इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी अलाइजिंग। क्या? एंटी अलाइजिंग। नेक्स्ट फुल फॉर्म है 62 नंबर, जो कि AAC, जो कि ऑडियो से रिलेटेड है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। ओके, नेक्स्ट है APCI, इसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है AI, इसका नाम तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है AMD, इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड मैक्रो डिवाइसेस। अगला है ASP, जिसकी फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों, मैंने जितने भी इस वीडियो के अंदर फुल फॉर्म्स लिए हैं, वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट है ASP, जिसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है AVI, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑडियो वीडियो इंटरलेव्ड। अगला है ASCII, इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको भी आपको याद रखना है। अगला है 69 नंबर बेसिक, बेसिक की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये होती है बेसिक लैंग्वेज की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है BIOS, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 71 नंबर देख लेते हैं CAD, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट है CDR, CD की फुल फॉर्म आपको पता होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है इसकी फुल फॉर्म, और R और लग गया है तो CD, R का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, नेक्स्ट है 74 CGA, जिसकी फुल फॉर्म होती है कलर ग्राफिक्स एरे। CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। इसी तरह से CPU, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क अर्थात कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि मेन रूप से प्रोसेसिंग का काम यही करता है। अगला है CRT, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। ओके, क्या? कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है 78 DBMS, इसकी फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसे आप याद रखेंगे। अगला है DHTML, इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक HTML, अर्थात डायनेमिक, और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है DND, जिसकी फुल फॉर्म होती है ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, ये भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा वर्ड है, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। DND की फुल फॉर्म होती है ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट है DNS, जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सर्वर। अगला है DOM, जिसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। 83 नंबर देख लेते हैं DOS, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि MS DOS वगैरह आपने नाम सुना होगा।
अगला है डी रैम, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैम। अब रैम का तो आपको पता ही होगा, बाकी मैंने लास्ट में ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ये सबसे लास्ट में मैंने दिए हुए हैं। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस तरह से डी रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है ईईपी रोम, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला है एफ ए क्यू अर्थात फैक, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपने कई साइट्स पे जरूर देखा होगा। अगला है एफ टी पी, जिसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसे आप याद रखेंगे, एफ टी पी अर्थात फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है जी यू आई, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है 89 नंबर एच डी डी, जिसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, एच डी डी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला है एच टी एम एल, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये अब सारी वो चीज़ें आ गई हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एच टी टी पी, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है आई बी एम, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी है। तो आई बी एम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है आईसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या? आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे आप याद रखेंगे। अगला है आईएसपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है आईटी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 96 नंबर है मैन, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है एमएमयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। इसके बाद है एम पी ई जी, जिसकी फुल फॉर्म होती है मोशन पिक्चर्स या फिर मोशन कोडिंग एक्सपर्ट ग्रुप भी हो सकता है। नेक्स्ट है जे पी ई जी, जिसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला है पैन, जिसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, जिस तरह से लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसी तरह से पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला है पी डी ए, जिसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यह एक तरह का डिजिटल डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह रखने के लिए यूज किया जाता है। सेलफोन की तरह ही होता है छोटा सा पीडीए, जिसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। 102 नंबर है आरआईपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है रूटीन इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे आरआईपी को रेस्ट इन पीस मत समझ लेना। नेक्स्ट है 103 नंबर यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है यूएसबी, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है वीआरएमएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इसे आप याद रखेंगे। अगला है एक्सएचटीएमएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 100+ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करें, इसे जरूर कमेंट करें। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप बिल्कुल फ्री में नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।